नमस्कार दोस्तों, मेरे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। पहुँचाऊँ अभी सम डेजर्ट जैसलमेर में। यहाँ पे हमारा रिजोर्ट बुक है और आपको दिखाता हूँ ये नज़ारे। दोस्तों सम जो डेजर्ट है यहाँ पे सफारी, इसके अलावा ऊँट पे बैठा कर घुमाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी एक्टिविटी हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में घुमाता हूँ। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों मैं जा रहा हूँ सम डेजर्ट में और वहाँ पे जो जो होगा वो आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों बने रहे अंत तक। दोस्तों रास्ते में जा रहे हैं, भैया गाड़ी को एकदम तेज़ भगा रहे हैं और यही एडवेंचर है यहाँ का, बहुत ही शानदार एडवेंचर यहाँ का। आसपास में कोई देख दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहे, ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है यहाँ पे। और थोड़ी भैया बता रहे हैं थोड़ी देर में ही आएगा यहाँ पे पूरा रेगिस्तान। अभी तो ये मैदानी इलाका है जहाँ पर ये तेज़ गाड़ी चल रही है, और थोड़ी देर में आएगा पूरी तरह से रेगिस्तान। दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हुई थोड़ी देर में आपको रेगिस्तान दिखाई देगा। इसी बीच ड्राइवर साहब सभी को अलर्ट कर रहे हैं कि कस्टे अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि ऊपर खाबड़ रास्ते होंगे, उसमें ये 4x4 ये गाड़ी तेज चलेगी। और इसी बीच हमारे जो पीछे साथी हैं जो घूमने आए हैं वो भी कह रहे हैं तेज़ चलाओ, लेकिन थोड़ी देर में देखते क्या हाल होता है इनका। और दोस्तों यहाँ से एडवेंचर शुरू होता हुआ, धीरे धीरे ये आवाज़ आती हुई और इसी के साथ मैं भी आगे बैठा हूँ एकदम कश्ती पकड़ के, लेकिन मेरे को भी डर लग रहा है क्या होता है आगे देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हो रेगिस्तान पूरी तरह से आ चुका है और 4x4 ये महिंद्रा की गाड़ी अपनी पूर्ण रफ्तार से चलती हुई और हम जैसे पर्यटकों को मनोरंजन करती हुई। इसमें ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, इसमें ये 4x4 महिंद्रा की ये गाड़ी दर्शकों को एक अलग ही अनुभव देती है। कभी ये गहरी खाई में जाती है, कभी ऊपर जाती है, और यही एडवेंचर है यहाँ का। और इसी एडवेंचर के लिए देश दुनिया से हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। ये गई नीचे, और दोस्तों जैसे जैसे हम सम डेजर्ट में आगे बढ़ते हैं हमें मनोरंजन के साथ साथ ऊपर पैराग्लाइड के पैराशूट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं वो चलते हैं। मनाली में, हिमाचल में, उत्तराखंड में जो आप सामने देख रहे हो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं होते, ये बिना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं, बिजली वाले होते हैं, इनमें इंजन नहीं होता वहाँ वालों में, और यहाँ वालों में इंजन लगा होता है। दोस्तों सम डेजर्ट में जो हम ये सफारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो ऊँट की सवारी होगी वो और रात का रहना खाना सब ये एक पैकेज होता है जो अलग अलग होता है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो, और वो भी सीजन के अकॉर्डिंग इनके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जैसलमेर में जब भी कभी कोई आए सम डेजर्ट घूमने आए, सफारी करने आए, ऊँट की सवारी करने आए, यहाँ पे जो ETV जो बाइकें होती हैं बड़े टायर वाली, उनकी जो पैकेज होता है उसमें पहले ही बात करें, उसके अकॉर्डिंग हम भी उस पैकेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आए हैं। ये सफारी के बाद में हमको ऊँट की सवारी इस पैकेज में वो भी करवाएंगे भैया। दोस्तों सामने जो ऊँट हैं
ये ऊँट की सवारी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं पर्यटकों का। थोड़ी देर में हम भी यहाँ पे ऊँट की सवारी करेंगे, उसका भी लाइव वीडियो दिखाऊंगा। दोस्तों मैं अभी आप पहुँच चुका हूँ सम डेजर्ट में। सामने आप देख रहे होंगे ये पैराग्लाइड के पैरासूट जो इंजन से चलने वाले हैं, जो बहुत आवाज़ें कर रहे हैं। और ये आसपास का नज़ारा, ATV गाड़ियाँ, पैरासूट से पैराग्लाइडिंग और साथ में ये ऊँट पे, खूबसूरत नज़ारा है जैसलमेर के सम डेजर्ट का। और अभी सामने हमारे जो साथी हैं सुरेश जांगिड़ जी बीबीपुर सीकर के, वो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो डांस करते हैं, पर्यटकों के साथ मनोरंजन करते हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा आप देखिए यहाँ पे, सुरेश जी जांगिड़ बीबीपुर छोटी वाले। सुरेश जी पीछा तैयार रखो, लेना आना। ये खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, लीजिए आप भी नज़ारे सुरेश जी के और ये आस पास सम के नज़ारे। और ये सुरेश जी लगातार लोकल लोगों के साथ नृत्य करते हुए और नज़ारे लेते हुए। तो हमारी सफारी शुरू हो चुकी है, आप देख रहे होंगे कैमरे में बैठे हैं। और गोविंद, महावीर, हवा बनाई ठंडी रे, आस नींदे वाले शी रे। ये शानदार नजारे, दोस्तों ये कैमल सवारी, ऊँट की सवारी और ये आसपास का खूबसूरत सा नज़ारा, शानदार नज़ारे यादों में संजो के भाई। मैं ले जाता हूँ और मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।